नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज हम लोग अपने पेंट के इस एपिसोड में सीखेंगे कि किसी भी स्कैन डॉक्यूमेंट में वर्ड्स कैसे चेंज किया जाता है, नाम कैसे चेंज किया जाता है। तो आज हम एक नाम को चेंज करके देखेंगे, जिस टेक्निक का यूज़ करके आप फिर दूसरे स्कैन डॉक्यूमेंट में भी कुछ भी वर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आज हम लोग चेंज करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये रमेश एंड कंपनी लिखा हुआ है, तो हम रमेश के बदले यहाँ पे मुकेश कर देते हैं। अब मुकेश करने के लिए सबसे पहले तो हमको ये डॉक्यूमेंट में ढूंढना होगा कि मुकेश का स्पेलिंग का लेटर कहाँ कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको मुकेश यहाँ मार्च में मिल जा रहा है, सेलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, ये मार्च में से एम को सेलेक्ट करेंगे। अगर प्रॉब्लम होगा छोटा डॉक्यूमेंट में तो इसको हम लोग जूम कर सकते हैं। जूम के लिए यहाँ से परसेंटेज बढ़ा देते हैं 200% या उससे ही बढ़ा कर देते हैं। अब हम लोग इसको इसमें से M को सेलेक्ट करेंगे। M कहाँ था, ये नीचे था, M मार्च। तो M को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट टूल में जाएंगे, M को सेलेक्ट कर लेंगे, एम को सेलेक्ट करके हम लोग इसको कॉपी करेंगे, कॉपी। अब मुकेश रमेश, रमेश यहाँ पे था, रमेश के को स्क्रीन के सामने लाकर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे एम को, और ये एम को ड्रैग करके हम लोग रमेश का आर के ऊपर रख देंगे। इसको कीबोर्ड का एरो से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल R के ऊपर ही रखेंगे R। यहाँ M हो गया, अब हम इसमें ढूंढेंगे U, U किधर मिलेगा ढूंढते हैं। राहुल में U मिल रहा है, तो राहुल का U को कॉपी कर लेंगे, U को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट उतना ही करेंगे जितना ज़रूरत है, ज़रा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, इसको ड्रैग करके M के बगल में, एम यू एम के बगल में इसको एडजस्ट कर देते हैं। हमको चाहिए के ढूंढना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई लेटर इस डॉक्यूमेंट में नहीं हो तो कोई दूसरा फाइल को स्कैन करके भी उसमें से वो लेटर को ले सकते हैं, बस स्कैन डॉक्यूमेंट सेम फॉर्मेट का होना चाहिए। अब एम यू के ढूंढते हैं इसमें, के 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 मिल गया, यहाँ पे के लेटर है, के को सेलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और फिर हम लोग रमेश वाले लाइन पे चले जाएंगे जिसको हम लोग मुकेश बना रहे हैं। एम यू इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको ड्रैग करके एम यू के, एम यू के को थोड़ा सा इधर ड्रैग कर देते हैं, देखिए एम यू के ई एस एच, इसका पूरा का पूरा। अब इसको जो हम लोग कैपिटल के ये जूम किए हुए थे इसको वापस नॉर्मल साइज में कर देते हैं। तो देखिए रमेश के बदले यहाँ पे मुकेश हो गया। अब मुकेश में थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं लग रहा है, ये मुकेश का एम यू और के ई थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है। इसको फिर से हम लोग जूम करते हैं, जूम करके इसमें मुकेश का एम यू ये दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं ताकि ये स्पेलिंग के ई एस एच के साथ मिक्स हो जाए। फिर वापस हम लोग इसको नॉर्मल साइज में कर देते हैं। देखिए कितना आसानी से यहाँ पे रमेश के बदले स्पेलिंग में मुकेश चेंज हो गया। इस तरह से हम लोग कोई भी वर्ड
चेंज कर सकते हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस में रख सकते हैं, जिसमें कोई भी दो तीन डॉक्यूमेंट स्कैन करके एक का लेटर दूसरे लेटर में सेटिंग कर सकते हैं। बस कलर बैकग्राउंड सेम होना चाहिए और डॉक्यूमेंट का फॉन्ट और फॉर्मेट सेम होना चाहिए, तब पूरा फिनिशिंग के साथ इसमें चेंज होगा वर्ड। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।